जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो देहरादून कंटोनमेंट बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। पिछली कुछ वीडियो से काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स मुझे देखने को मिले हैं देहरादून कंटोनमेंट बोर्ड से, और इस वीडियो में आपको डिटेल सिलेबस और सिलेक्शन प्रोसीजर और जो भी है सारा कुछ जानकारी आपको देखने मिलने वाला है। ठीक है, तो टोटल पोस्ट आप देख सकते हैं कितने तरीके के पोस्ट इसमें निकाले गए थे। तो इसमें जो टोटल पोस्ट था, ठीक है, देहरादून कंटोनमेंट बोर्ड रिसेंटली स्टार्टेड एन एप्लीकेशन टू फिल, टोटल 30 पोस्ट आप, ठीक है, असिस्टेंट टीचर, असिस्टेंट प्राइमरी टीचर के थे। ठीक है, और इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे पोस्ट निकले हुए हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं सैनिटरी इंस्पेक्टर के, तो असिस्टेंट टीचर प्राइमरी की बात करें तो 14, और असिस्टेंट टीचर एल टी ग्रेड इंग्लिश की एक पोस्ट है, असिस्टेंट टीचर एल टी ग्रेड साइंस की वन पोस्ट, और असिस्टेंट टीचर एल टी ग्रेड जनरल की एक पोस्ट, लेक्चरर हिंदी की एक पोस्ट है, और इकोनॉमिक्स की एक पोस्ट थी। ठीक है, इसी तरीके से और भी बहुत सारे पोस्ट निकले हुए हैं। ठीक है, अगर बात करें इसके सिलेक्शन प्रोसीजर की, ठीक है, तो सिलेक्शन प्रोसीजर आप देख सकते हैं किस तरीके का था इसमें, और एग्जाम डेट वगैरह इसमें कुछ पोस्ट की निकाल देंगे पहले से, इंटरव्यू डेट वगैरह लेक्चरर के लिए जो कि 5 मई 2023 है, और टाइपिंग टेस्ट जो कि जूनियर असिस्टेंट के लिए है 30 अप्रैल 2023 को होने वाला है। ठीक है, और इसके अतिरिक्त अगर बात करें आपके सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो आप देख पा रहे होंगे सैनिटरी इंस्पेक्टर के लिए केवल रिटर्न एग्जाम है, इसके अतिरिक्त असिस्टेंट टीचर प्राइमरी के लिए भी रिटर्न एग्जाम हो रही है। आप देख पा रहे होंगे किसके लिए रिटर्न एग्जाम है, आप देख लें। ठीक है, इसकी शॉट लेना चाहे ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त लेक्चरर जो भी हिंदी के हैं उनकी इंटरव्यू प्लस रिटर्न एग्जाम दोनों होने वाले हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त इकोनॉमिक्स के जो लेक्चरर रहने वाले हैं रिटर्न एग्जाम प्लस इंटरव्यू, जूनियर असिस्टेंट का भी वही सेम है। इसके अतिरिक्त मोटर पंप अटेंडेंट का ओनली रिटर्न है। ठीक है, बाकी आप देख पा रहे हैं कैसे किस तरीके से। ठीक है, चलिए इसके अन्य जो भी नोटिफिकेशन उसकी ओर बढ़ते हैं, लोग सिलेबस की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले रिटर्न एग्जाम टॉपिक्स की अगर बात करें तो सैनिटरी इंस्पेक्टर के लिए जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस एप्टीट्यूड, ये सारी चीज़ें। ठीक है, इसके अतिरिक्त आपके टोटल 50-50 नंबर के दो क्वेश्चन हो, दो पार्ट में होंगे क्वेश्चन। ठीक है, 2 घंटे कब का पेपर होगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त बात करें अगर असिस्टेंट टीचर की, तो आप देख पा रहे हो सिलेबस, इसमें भी 100 क्वेश्चन रहेंगे, 2 घंटे का समय इसमें मिलने वाला है। और स्क्रॉल कर दे रहा हूँ मैं धीरे धीरे, आपको सिलेबस देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो को रोक करके जैसे देखना चाहे। ठीक है, सिलेबस तो नॉर्मली आपको पता ही हो पहले से ही, और इसके ऊपर अगर आप डिटेल वीडियो चाहते हैं कि कहाँ से कितने टॉपिक पर कितने क्वेश्चन आते हैं, तो कमेंट मेंशन जरूर करेंगे, वो भी बताने का पूरा प्रयास किया जाएगा। ठीक है, तो अब देख पा रहे हो ये देहरादून कंटोनमेंट बोर्ड की ऑफिशियल साइट है, और जो भी नोटिफिकेशन होगा वो आपको जरूर देखने को मिलेगा। और टोटल फॉर्म फिलअप की बात करें अगर, तो वही अगर उपलब्ध होगा तो जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो नोटिफिकेशन की ओर बढ़ते हैं। तो टोटल अगर पोस्ट की बात की है, तो टोटल इसमें 13 तरीके के पोस्ट निकाले गए थे, और अटैचमेंट्स की अगर बात करें तो अटैचमेंट्स में केवल 4 नोटिफिकेशन उपलब्ध अभी उपलब्ध इस समय में। ठीक है, और इसके अतिरिक्त आप देख पा रहे होंगे इसमें जो एग्ज़ाम की डेट इसमें बताई गई थी 5 मार्च, जो कि काफ़ी ज़्यादा लेट हो रही है, कुछ पोस्ट पे एग्ज़ाम हो भी चुके हैं। ठीक है, और इसमें अगर लास्ट नोटिफिकेशन की अगर बात करी जाए, ठीक है, तो वही लास्ट नोटिफिकेशन आपका जो एग्ज़ाम डेट बढ़ाया गया था वही आया था, जो कि 17 फरवरी 2023 को देखने को मिला था, जो कि लास्ट डेट एक्सटेंडेड फॉर अप्लीकेशन प्रोसेस था। ठीक है, और टोटल फॉर्म फिलअप की बात करी जाए तो अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। इसके अतिरिक्त अगर आप किसी पोस्ट रिलेटेड टोटल फॉर्म फिलअप के बारे में जानना चाहते हैं, तो आपको प्रीवियस ईयर के हिसाब से बता दिया जाएगा कि टोटल कितने फॉर्म फिल किए गए होंगे। ठीक है, और इससे पहले मैंने कट ऑफ रिलेटेड वीडियो बना दिया है, तो आप चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और इसके अतिरिक्त इसमें और किसी प्रकार के ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट नहीं किए गए, और जो भी नोटिफिकेशन होंगे वो आपको देखने को जरूर मिलेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।